शरीफ था, शराफत से खाकर चला गया। अच्छा, वो शरीफ था, शराफत से खाकर चला गया, 50 रुपए में जमानत करा के चला गया। अच्छा, हम ढूंढते रहे अलादीन का चिराग, वो हजारों से खरबों बनाकर चला गया। अल्लाह ने मुझे कोई गाने की अच्छी आवाज़ नहीं दी, बट मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर होती। अजी, आपने इसलिए कह दिया कि हम आपसे गाना ना सुने? नहीं नहीं, आप सुन भी लेंगे तो आप ही पछताएंगे। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब बरतानिया में क्या कर रहे हैं? सबको पता है, वॉरेंट टेरर के लिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूँ आपका होस्ट जनरल आबिद। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली जनाब जैनब उमैर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अच्छा, तो आप तैयार हैं सवालों के लिए? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले पूछा इस तरह से, मैं डर गई हूँ पहले। नहीं बिल्कुल, आप लाइट लें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने जो आपका तालीमी सफ़र था उसका आगाज़ कहाँ से किया और कहाँ तक पहुँचा है उसको? मेरी जो बेसिक तालीम है वो तो बिल्कुल शुरू जो मेरी स्कूलिंग थी वो सर सैयद स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था, और उसके बाद से फिर हम फ़ौरन ही लाहौर आ गए, लाहौर में स्कूलिंग हुई, फेडरल बोर्ड से मैंने मेट्रिक किया, और उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ, और एक मैं IVLP हूँ और वो US का एक हमारा होता है इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम होता है, उसके लिए मैं सिलेक्ट हुई थी, और वो उसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सो IPR के ऊपर आई वाज सिलेक्टेड, सो 2010 के ऊपर। और इसी तरह की जो एकेडमिक्स से मुतलका और प्रोफेशन में आने के बाद मैंने कोई 7-8 ममालिक के बीच में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी किया। अच्छा अच्छा, तो ये तालीमी सफ़र के दौरान मेरा? नहीं, इसके तालीमी सफ़र के बाद की यूजली वैसे ये बात है, लेकिन ये था कि दौरान तालीम डिबेटिंग के शोबे से काफ़ी ज़्यादा मुंसलिक रही, प्रेजिडेंट भी रही लॉ कॉलेज के अंदर भी डिबेटिंग सोसाइटी की, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी वो, मतलब तकरीबन थ्रू आउट इंस्टीट्यूशन में चलती रही। और इतना ज़्यादा आप तालीम में मगन थी, इस कदर आप मेहनत कर रही थी, मुल्कों में जा रही थी, पढ़ रही थी, एकदम से सियासत या ये साथ साथ ही लेके चल रही? नहीं, सियासत एकदम से नहीं, बेसिकली जिस टाइम के ऊपर अभी मैं पढ़ रही थी एग्जैक्टली शुरू तो तभी हुई थी 1998 के बीच में, जब पहली दफ़ा में हमारा PTI के इलेक्शंस हुए, PTI ने हिस्सा लिया एक्चुअली, तो उस वक्त मैंने उस इलेक्शन के बीच में, मेरे मामू हैं हामिद खान, तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो उनके इलेक्शन में हम लोगों ने काम किया। अच्छा। और एग्जैक्टली कोई पता नहीं था कि इलेक्शन किस चिड़िया का नाम होता है। अच्छा। और लोगों के घरों में जाना, और मज़े की बात ये होती थी कि कॉलेज से बंक करके जा रहे हैं, सो बेसिक आइडिया बिहाइंड एक्चुअली ये होता था कि कॉलेज से बंक करके जा रहे हैं, तो लेकिन कहना दूसरे अल्फाज में वो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद PTI जरी बात है, क्योंकि नाम इमरान खान का था तो बेसिकली ज्वाइन इमरान खान को किया, और फिर उसके बाद वो चल सो चल। अच्छा मैडम, आप वकील हैं साथ में, और आप लोग, आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ की, ठीक है, तो उसमें क्या वर्किंग चल रही है? क्योंकि जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर है उसको कुछ मसाइल देखने में मिलते हैं हमेशा से ही, हमें हमेशा टॉप ट्रेंड कल चल रहा था एक, इसी तरह से मुख्तलिफ जो टॉप ट्रेंड हैं वो लॉ से रेलिवेंट चल रहे होते हैं, तो इन मसाइल को कैसे देख रहे हैं आप? उस स्टैंडिंग कमेटी में कोई आउटकम्स आएंगी? देखिए, जो जो हमारी पंजाब असम्बली की कमेटीज़ होती हैं उनके तो डिफरेंट आप कह लें कि उनके काम होते हैं। अच्छा। और उनमें हमने, क्योंकि असम्बली में जितने भी लोग बैठे हैं वो लेजिस्लेटर्स हैं और उन्हें लेजिस्लेशन करनी है, तो असम्बलीज के बीच में हमारे पास आती है लेजिस्लेशन। अच्छा। जो हमारे बिल्स होते हैं और वो डिफरेंट बिल्स आते हैं, जो लॉ से मुतलका जो बिल होंगे वो मेरी कमेटी में आएंगे। अच्छा। और फिर वो हमारी कमेटी के बीच में जो मेम्बर्स हैं उनको उनको डिलीब्रेशन करेंगे, और फिर उसके बाद उनको अप्रूव करेंगे, और फिर दोबारा असम्बली में जाके वो पास होंगे। तो लॉ के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी कवानीन हैं वो बेसिकली वो मेरी कमेटी में आएंगे। मुझे एज होगा इस बात का कि मैं कानून साज भी हूँ और कानून दान भी हूँ, तो मेरे लिए शायद उन कवानीन को समझना और उसमें अगर कोई इस किस्म की चीज़ें जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उनको करना ज़्यादा मेरे लिए शायद मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा एक एज होगा। जहाँ तक बात आपने लॉ एंड ऑर्डर की है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, और लॉ एंड ऑर्डर के बीच में आपकी पुलिस आती है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आता है, और लेकिन बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कोशिश ये होती है कि जहाँ जहाँ के ऊपर भी, जैसे हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं,
आप अगर मेरी पिछले 3 साल की बजट स्पीचेस उठा के देख लें या इसके अलावा अगर आप देख लें मेरी एडजर्नमेंट मोशन उठा के देख लें तो हर किसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और इंसाफ और कानून की फरामी, क्योंकि इमरान खान साहब का ही कॉन्सेप्ट था कि जस्टिस एट योर डोर स्टेप, तो वो डोर स्टेप के लिए मैंने कई जो आप कह लें कि करारदादें भी डाली हुई हैं कि जो हमारे बेंचेस हैं हाई कोर्ट के वो सरगोधा फैसलाबाद में बनाए जाएं ताकि लोगों को आसानी हो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और जो बजट के लिए बात हुई थी, इस दफ़ा मैंने बात की है कि हमारे अदालतों के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उनको जो फंडिंग की जाती है उसको एक बजट का हिस्सा बनाया जाए। बजट स्पीच की आप बात करें, आपने इस दफ़ा एक नज़म सुनाई थी बजट स्पीच के दौरान, अगर आप हमें सुनाएं तो। वैसे जो आपने बात की है उस पर यकीन करें कि उस दिन बड़ा शोर मचा। अच्छा, उससे पहले जो स्पीकर साहब थे उन्होंने सब लोगों को कह दिया था कि जी, क्योंकि नेशनल असेंबली में काफ़ी शोर हंगामा मचा हुआ था तो यहाँ के ऊपर शुरू में हो गया था, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि कहीं कोई किस्म की बात हो, तो वो हालांकि मैंने बहुत तहजीब के दायरे में रहते हुए वो बात की थी। अच्छा। मेरे लिए तो बहुत तहजीब का दायरा था ठीक है। और लेकिन उस पर जहरी बात है, वो ऑपोजिशन जो थी वो उसको तो होना ही था। उन्होंने वैसे वो एक्सपंज कर दी थी मेरी स्पीच से और लोगों ने बड़ा शोर मचाया, तो आप भी एक्सपंज ही रहने दें उसको, तो बेहतर नहीं है। आप सुना दें तो हम बाद में देखेंगे उसको स्पंज करने करना या नहीं करना है। वो शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में उन्होंने कुछ इशार पढ़े। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा हमें आज नवाज शरीफ साहब बहुत याद आ रहे हैं, तो मैंने कहा आपने याद किया तो हम भी याद करते हैं, मिल के याद करते हैं। तो वो याद करने में जो थी वो कुछ इस तरह से हमने याद किया कि वो शरीफ था शराफत से खाकर चला गया। अच्छा, वो शरीफ था शराफत से खाकर चला गया, 50 रुपए में जमानत करा के चला गया। अच्छा, हम ढूंढते रहे अलादीन का चिराग, वो हजारों से खरबों बना कर चला गया। अच्छा, और आपको पता है कि उनको वैसे ही बड़े खाबे में शौकीन था, तो शौकीन थे वो। अच्छा, तो पाए और निहारी के तो होते हैं सभी शौकीन। अच्छा, पाए निहारी के तो होते हैं सभी शौकीन, पर वो तो सारा मुल्क ही खाकर चला गया। वो जिसको समझते थे सभी शेर की मानिंद। अच्छा, वो जिसको समझते थे सभी शेर की मानिंद, गीदड़ की तरह दम दबा कर चला गया। और वो जो कहता था कि वोट को इज्जत दो, जो कहता था वोट को इज्जत दो, अपने ही वोटरों से दामन छुड़ा कर चला गया। अच्छा, और जिसपे ज्यादा शोर मचा। अच्छा, हालांकि हकीकत है ये, ना शर्म है और ना ही है गैरत पिदरी, पिदरी बाप से। अच्छा, ना शर्म है, क्योंकि नवाज शरीफ सबको याद करे ना, तो ना शर्म है और ना ही है गैरत पिदरी, रजिया को गुंडों में फंसा कर चला गया। तो किसी पीटीआई के सपोर्टर ने लिखी होगी, जाहिर सी बात है, फिर आपको मालूम करने की जरूरत। यकीनन तो लेकिन जिन्होंने लिखी वो बहुत अच्छी लिखी। और मैंने यही कहा कि मैं माफी चाहती हूँ अल्फाज का हेर फेर इधर हो गया हो, मैंने कोशिश की जहाँ वजन कम हो तो मैं खुद ही वजन बढ़ा लूँ। तो ये चूंकि वहाँ पे मैंने बोला तो उसके ऊपर फिर काफी शोर, आपको पता है शोर हंगामा तो फिर होना ही था। और फिर न्यूज में भी यही आता रहा कि काफी इन्होंने असम्बली में लिहाज से। अच्छा, आपकी जो नून लीग से मुखालफत है वो यहाँ पर खत्म नहीं होती, आपने परवेज रशीद साहब पे जो वो केस किया था और उसकी वजह से उनको सेनेट की सीट नहीं मिली, वो भी हमें जरा किस्सा सुनाया। देखिए, बात ये है कि इसमें मुखालफत नून लीग की नहीं है, इसमें मुखालफत ये है कि इतने सालों से आपके जो लोग बैठे हुए हैं, जब आपका एक कानून बना हुआ है और जहाँ पे आपका ये आपके कवानीन कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स असम्बली में नहीं जाएगा जो कि डिफॉल्टर हो। अब जो परवेज रशीद साहब की बात कर रहे हैं, परवेज रशीद साहब करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर हैं। अच्छा। और 90 लाख, बल्कि जो 90 एग्जैक्ट अमाउंट मुझे इफ आई रिकॉल, 90 लाख रुपए के वो पंजाब हाउस के डिफॉल्टर थे। अच्छा। और उन्होंने वहां के ऊपर उनके रूम बुक होते रहे और उन लोगों ने कभी उसकी पेमेंट नहीं की। अब ये जो 90 लाख रुपए हैं, ये आपका हमारा पैसा है। बिल्कुल। और जिसके ऊपर वो और ये उनकी फैमिली जाके वहां के ऊपर रह रही है, याशी कर रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट फेयर। तो क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में जब ये हुआ तो हमारी, मेरा ताल्लुक क्योंकि तरीके इंसाफ लॉयर फोरम से भी है, उसमें हम लोगों ने एक कमेटी एक बना दी थी जिसमें जिसको मैं हेड कर रही थी। और उस कमेटी का मकसद ही ये था कि जितने भी लोग सेनेट के इलेक्शन के लिए नून से अप्लाई करेंगे, हम लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं। तरीक़ेकार होता है, वो हमारे पे करते हैं, हम उनके ऊपर करते हैं, जिस डिफरेंट पार्टीज़ के लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मटीरियल बहुत ज़्यादा था।
उनमें से खुद लड़ा और आप जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो मेरे साथ के बीच में मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं राणा मुदस्सर, उन्होंने काफी इसके ऊपर वर्किंग की। तो राणा मुदस्सर जो थे वो मेरे साथ थे और उसके बाद परवेज रशीद साहब के अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही नून लीग का कोई नाम रहा हो जो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। अच्छा, मतलब सारे वकीलों बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार, हाई कोर्ट बार, लाहौर बार, इन तमाम के सदूर हमारी पार्टी के लोग, पुराने एमपीएस और जितने भी आप कह लें कि बड़े नाम हमारे जो सेनेटर अब बने हैं आजम तारड़ साहब, सबके सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, और अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ताला हमारे साथ था उसमें। राणा मुदस्सर साहब की मेहनत थी और बाय चांस ये कि उसको रिप्रेजेंट मैं कर रही थी। अच्छा, मेरी तरफ से ऑब्जेक्शन मेरी तरफ से हो गए हुए थे, सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग हिम। तो और हमारी साथ में तलत नकवी एज एन सपोर्टर, वो भी हमारी एमपी हैं, वो हमारे साथ थी। तो वो उस एक्चुअली हमारे पास इतनी सॉलिड ग्राउंड थी कि उसके ऊपर फंस गए और फिर वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए और जो कि नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सीट थी और साल हर साल से इन लोगों के जहन में कोई दूसरी बात ही नहीं थी। अच्छा, कि परवेज रशीद साहब ने तो आने ही आना है। तो मैंने सिर्फ परवेज रशीद साहब के ऊपर नहीं किए थे ऑब्जेक्शन, मैंने मुशाहिदुल्लाह खान साहब के ऊपर किए थे। अच्छा, मैंने उनके बेटे अफनान मुशाहिदुल्लाह के ऊपर किए थे, 3.5 करोड़ रुपए का उनका डिफॉल्ट है। मैंने खाकान अब्बासी साहब की जो बहन है सादिया अब्बासी, मैंने उनके ऊपर किया था ड्यूअल नेशनैलिटी के ऊपर क्योंकि एफआईए में उनका जो रिकॉर्ड है वो अभी तक उनकी ड्यूअल नेशनलिटी के ऊपर है। थी कि आधा सेनेट, मैं बिल्कुल ये चाह रही थी कि आधा सेनेट जो है ना हम इसको खाली कर दें। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि एक तो टाइम क्योंकि बहुत कम होता है और इसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब की उसी रात उनकी वो वफात पा गए, तो हम लोगों ने ज़रिए इंसानियत के नाते उनके हमने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए जो ऑब्जेक्शन के थे। लेकिन जो परवेज रशीद साहब हैं वो हमारा हदफ ज़रूर थे। फिर उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की और जो हाई कोर्ट की अपील थी वो भी हम लोगों ने पूरे दिल जान से कंटेस्ट की। और उसमें एक और नया फैक्टर भी आ गया कि जो पीटीवी का केस था, पीटीवी में अताउल हक कासमी केस बड़ा मशहूर है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया था कि जो अमाउंट उनको अताउल हक कासमी साहब के खिलाफ उन्होंने की थी उसका 20% इन्होंने पे करना था एज अ डिफॉल्ट, इन्होंने वो भी नहीं किया था। सो करीबन लगभग 4 से 5 करोड़ की रकम जो है वो आपकी और हमारी उनकी तरफ निकलती थी। तो इस लिहाज से फिर उनको दरी बात है उनकी उनको उनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी और ये हमारे लिए बहुत बड़ा आपके लिए के हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए, क्योंकि देखिए एक्सपोज करना जो है ना किसी को भी, आप जो पैसे लेके बैठे हुए और ख़ुद एक बड़ा नाम लेके, क्योंकि लोगों ने हमें यकीन करें कि जब लोगों के सामने ये बात आई कि इतने करोड़ का डिफॉल्ट है तो हर किसी ने कहा कि हम कंपैरेटिवली नून में उनको अच्छा नाम देखते हैं कंपैरेटिवली। तो अगर एक अच्छा नाम कंपैरेटिवली का इतना डिफॉल्ट है तो आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी की देख जो है वो कैसी हो। बिल्कुल, मतलब जो भी हमारे सामने केसेस आते हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, तो लोग ही कहते हैं कि रिकवर क्या किया है या इसमें क्या आउटकम क्या आई है। केस तो हर बंदा कर लेता है, दूसरे पे ऑब्जेक्शन भी दे देता है। तो परवेज रशीद साहब की आपने एग्जांपल मतलब सेट जी, उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं। अच्छा, वो तो बल्कि आके अदालत के बीच में वो कहते थे जी हम अंडर ऑब्जेक्शन जमा पैसे करा रहे हैं। और उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट ये था कि हम पैसा जमा कराना चाह रहे हैं, ये हमसे ले नहीं रहे। अच्छा जी, तो परवेज रशीद साहब ने कितने पैसे दिए जी? 90 लाख का तो वो उसी दिन चेक लेके आए हुए थे। अच्छा, और वो क्योंकि हमने कहा था जी आप ऑर्डर बनवाएं अपने अकाउंट से निकलवाएंगे, जी हमारे पास पैसे नहीं, हमने इकट्ठे करके दे रहे हैं और जो बाकी के तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपया जो है वो पीटीवी केस के अंदर वो उन्होंने पे करना था और ये तमाम पैसे उन्होंने पे किए हैं। अच्छा, तो परवेज रशीद साहब ने ऑन द रिकॉर्ड तकरीबन 4 करोड़ रुपया जो है हमारे टैक्सीज में से जो उन्होंने इधर उधर किया था वो उन्होंने वापस किया है और ये अदालत में वापस किए जी। अदालत के अंदर उन्होंने आके अपने चेक्स वगैरह थे, उन्होंने कहा था कि जी हम देने को तैयार हैं और वो लेके आए थे और उनका इंटरेस्टिंग स्टांस ये था कि वो देने को तैयार हैं, हम लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब वो देने को तैयार थे और हम लेने को तैयार नहीं थे। तो ये उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी के जो लोगों ने डिफॉल्ट किए हैं उनसे रिकवर क्या किया जा रहा है, तो ये मैडम ने अभी बता दिया कि रिकवरी भी हुई है किसी हद तक। आप एक्सटर्नल को एडवाइज़र हैं एंटी नार्कोटिक्स सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की, तो क्या मकासद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने ड्रग फ्री डिक्लेयर किया है अपने कैंपस को एज एन यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या मकासद हैं आप लोगों के जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स बनाई जा रही है और इस तरह के जो मतलब आप लोग देख रहे हैं?
देखें ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में जितने भी हम सालों का जिक्र करते हैं लोग हमें कहते हैं आप पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। मैं पिछले 10 साल की बात नहीं करती, मैं पिछले 30 साल की बात करती हूँ। अच्छा। और पिछले 30 साल के अंदर आप लोगों ने जो देखें हमें कोई इमरान खान साहब कोई हमें पैसे दे के हमसे बातें नहीं उगलवाते या हमें नहीं कहते कि आपने जाके बात कर ली है, वो ये बात करते हैं कि इतने सालों के अंदर हम लोगों ने अपनी कौम को तबाह किया, हम लोगों ने तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है, हमने हॉस्पिटल्स नहीं बनाए हैं अपनी, हमारी हेल्थ के अगर आप हालात देख लें सारी दुनिया में कितने बेहतरीन हैं और हमारे हेल्थ यूनिट्स बिल्कुल बिल्डिंग्स बना दी गई हैं लेकिन उनके अंदर आपने डॉक्टर्स नहीं डाले हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं दी। इसी तरह जो ये बेरोज़गारी की बातें आज लोग उठ के कहते हैं ना कि आपने तो इतनी नौकरियाँ देने का वादा किया है, कहाँ हैं वो नौकरियाँ, तो आप उससे पहले इस बात को एडमिट करें कि इतनी जितनी नौकरियां हमने देनी है इतने लोगों को आपने इससे पहले बेरोजगार किया है और आपने इतने सारे लोगों को इस मनहूस लानत ये जो ड्रग की हम बात कर रहे हैं इस पे इस कौम को लगाया है और ये एक आप कोई जगह जाके देख लें हर जगह के ऊपर ये बड़ी आसानी से दस्तयाब है, इसकी सप्लाई चेन बड़ी स्ट्रांग है, इसमें आप हर इंस्टीट्यूशन आप देखें, अल्लाह हमें हम सब लोगों को माफ़ करे और इसे बचाए रखे कि कभी ये इंस्टीट्यूशंस में स्कूल में कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ नहीं हुआ करती थी लेकिन अब हर कॉलेज के अंदर ये बड़ा एक्सेसिवली ये अवेलेबल है। ना सिर्फ एक्सेसिवली अवेलेबल है, आप ये देखें कुछ दिन पहले एक सर्वे आया और उस सर्वे के अंदर आपकी तमाम पुलिस फोर्स, अच्छा जो आपकी पुलिस फोर्स है उसके अंदर जो DIGs हैं उन्होंने कहा है कि उसके अंदर कितने 100 DIGs हैं जो कि शराब का जो नशा है ये उसमें इन्वॉल्व हैं। इससे नीचे जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं आपके IOs हैं ये आइस लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, चर्स लेते हैं, ये तमाम चीज़ें। सो आप ये देखें कि जो जो मैंने चीज़ पॉइंट आउट की कि आपका थाना चबुर्जी है उसके सामने लड़के लड़कियाँ, कभी इस माशरे में आपने देखा है कि लड़कियाँ खड़ी होकर सड़क के ऊपर इंजेक्ट कर रही हों? आपने इस सोसाइटी को इतना गिरा दिया है कि कभी आपने इन लोगों के ऊपर काम ही नहीं किया। सो हम लोग बहुत शुरू से इसके ऊपर बात करना चाहते थे। अब चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने इस पे डॉक्टर जरका का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इस वक्त हमारी सेनेटर हैं, डॉक्टर शकील हैं जो न्यूरो फिजिशियन है न्यूरो साइंसिस का काम करते हैं वो इंग्लैंड से आए, अलामिया करता है, फिर डॉक्टर जो वाइस चांसलर साहब हैं वो मिल गए, अलामिया सब चीज़ों को कनेक्ट करना फिर शुरू कर देता है, फिर हमने एंटी नारकोटिक्स के जो ब्रिगेडियर साहब हैं ब्रिगेडियर राशिद मिनहास वो इसके साथ में हमारे कनेक्ट हुए, हमने इंसाफ लॉयर फोरम को इसमें इंडक्ट किया कि इसके साथ में हम लोग कहीं पर लीगल एंड्स के ऊपर सारी बात है, बड़ा माफिया है, इस माफिया ने कहीं ना कहीं जाके हम लोग को कैप्चर करना है तो इसलिए हमने जहाँ लीगल एंड्स के ऊपर चीज होगी वहाँ पे इंशाल्लाह इंसाफ लॉयर फोरम पूरे पंजाब पाकिस्तान के बीच में मौजूद होगा। इसी तरह अब हमारा जो फर्दर इरादा है वो है इनका जो गर्ल गाइड्स एंड बॉय स्काउट्स कि हम इन लोगों को भी आगे लेके आएँ और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस ज़्यादा पैदा करें क्योंकि आप लोगों को एक सप्लाई चेन रोज़ हर दूसरे चौथे दिन पता चलता है कि इतने मान हीरोइन पकड़ी गई इतनी चीज़ें, लेकिन वही बात है कि जब आपकी पुलिस फोर्स वो के बीच में सिंपल सी बात है कि अगर वो चार मन पकड़ेगी तो वो आपको बताएगी कि जी हमने 2 मन पकड़ी है, तो सारी बात है वो चीज़ें आपकी सोसाइटी से हम चाहते हैं कि ये जान छुटे और अल्टरनेटिवली हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं कि वो बनाए जाएं हॉस्पिटल्स के अंदर, एक हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर ही हम 5-6 बेड्स कम अज़ कम अलहदा कर रहे हैं, अगर अलग से नहीं करना कर नहीं बना सकते तो अलहदा से कुछ वार्ड्स हम बना दें वो हम काम करें, फिर स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, कल्चर एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री जिसको तलत नकवी देख रही हैं कि इन लोगों को हम जिंदगी की तरफ वापस लेके आएँ और ये जो सड़कों के ऊपर हमें लोग मिल रहे हैं इन सब लोगों को भी हम हमदर्दी की निगाह से देखें क्योंकि ये सब लोग खुद विक्टिम है तो इसके ऊपर काम हो रही है। अभी लास्ट हमारी एक मीटिंग थी उसमें जो CCPO लाहौर है वो और हमारे DIGs मौजूद थे तो उस पर भी हम लोगों ने एक सजेशन मैंने दी थी कि पुलिस और एंटी नारकोटिक फोर्स ये मिल के अगर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करेंगे तो इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इसके ऊपर क्योंकि मैं एज एन आपने इसे जिक्र किया था कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की को एडवाइज एक्सटर्नल एडवाइज़र काम कर रही हूँ तो स्टूडेंट्स के साथ मिल के हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वहाँ से निकल के उस एक इंस्टीट्यूशन से निकल के ये तमाम इंस्टीट्यूशन में जाए और हर इंस्टीट्यूशन अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी से उसको हम ड्रग फ्री इंस्टीट्यूशन जो है उसको हम करा दें। जी तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम मैडम से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। पसंदीदा नाम? ज़ैनब। अपना नाम? पसंदीदा। अपना नाम। अच्छा पसंदीदा। जगह?
तो खास नहीं, सारी जगह अच्छी है, पूरा पाकिस्तान अच्छा है। अच्छा, अपना मुल्क, अपना मुल्क तो अच्छा है। मतलब कुछ होता है जहाँ पे बंदा चाह रहा था कि छुट्टियाँ वहाँ पे गुजारूँ, जहाँ पर भी आप छुट्टियाँ गुजार लें। मैं कोई 8-9 मुल्क फिरी हूँ, लेकिन यकीन करें कि हर जगह जाने के बाद थोड़े से बाद आपका दिल करता है पाकिस्तान वापस आ जाए, तो पाकिस्तान। अच्छा ठीक है। खेल क्रिकेट, क्रिकेट और भी बहुत सारे खेल हैं, ऑलमोस्ट जितने भी स्पोर्ट्स हों तकरीबन तमाम। अच्छा अच्छा, इमरान खान साहब को देखते थे खेलते हुए? नहीं, वो फैमिली में आपको पता है एक हमेशा से हुआ करता है फैमिली, हॉकी भी, फुटबॉल भी, इसके अलावा इंडोर स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, तकरीबन सारी सारी है, देखते रहे। खाना कुछ भी, कुछ भी, एक्सेप्ट फॉर रेड मीट। अच्छा हाँ, मैं कोई गोश्त लवर नहीं हूँ ज़्यादा, तो लेकिन इसके अलावा सब कुछ। मतलब आप नहीं, पकाऊंगी बहुत, खिलाऊंगी बहुत, लेकिन खुद शौक से नहीं खाऊंगी। नहीं खाएंगे। फिल्म, काफ़ी सारी फिल्में हैं कई जो, लेकिन उसमें जो भी कोई क्रिएटिविटी और कोई सबक उससे आप लें। फॉर एग्जांपल कोई एक नाम बताएं। नाम तो शायद मुझे नहीं याद रहते, बहुत सारे। एक्टर जो एक्टिंग करना जानता हो कौन जानता है आपके, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एज एन हीरो आते हैं लेकिन वो एक्टर्स नहीं होते। मतलब मिसाल के तौर के ऊपर लोगों का बड़ा चार्म है, जैसे लोग नाम लेते हैं शाहरुख खान, बट आई डोंट कंसिडर कि वो कोई एक्टर है। अच्छा। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जो हमारे लाहौर से पुराने एक्टर्स थे वो बहुत सारे हैं, तो उनकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक्टिंग बहुत पसंद है मुझे। किताब मुझे राइटर्स में मुमताज़ मुफ्ती बहुत पसंद है, तो अलीपुर का एली हो, अलख नगरी हो, और इसके अलावा कुदरतुल्ला शहाब का तो जवाब ही नहीं, शहाबनामा, और उनकी और कितनी भी किताबें, मतलब आप उसको पढ़ के उसकी क्रिएटिविटी में जाके कहीं आपने हंसना है तो फिर आप बहुत हंसते हैं, और जो उन्होंने बताने की कोशिश की होती है वो अगर आप ठीक अच्छे से। पत्रस बुखारी की भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और यकीनन वो भी एक अच्छे राइटर है। सियासतदान, बहुत बड़ा नाम तो कोई भी नहीं है लेकिन सिवाय इमरान खान साहब के। अच्छा, वो क्योंकि खुद भी ऐसा आज इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं, तो इसलिए वो जो एक ट्रू डेफिनेशन ऑफ सियासतदान है शायद वो उसके ऊपर पूरे ना उतरते हो। कहती है कि इनको सियासत करना नहीं आती, और ये वो नहीं देखे, नहीं उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको सियासत करना नहीं आती, उसके बावजूद ये सब के सब लोग बाहर बैठे हुए और वो इख्तदार में बैठे हुए हैं। अगर इसको सियासत नहीं करनी आती है तो अगर आती करनी है सियासत तो फिर इन बेचारों का क्या हाल होता है, फिर ज्यादा मसला होता है। प्रोफेशन मौजूदा के अलावा, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, किसी भी चीज़ को एज एन प्रोफेशन लिया जाए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कोई गाने की अच्छी आवाज़ नहीं दी, बट मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर होती। अजी, आपने इसलिए कह दिया कि हम आपसे गाना ना सुन नहीं नहीं, आप फोन भी लेंगे तो आप ही पछताएंगे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसी तरह से स्पेशली कोई भी चीज़ जो आपके हाथ से, जैसे आपने पेंटिंग्स की बात की है, पेंटिंग्स और आपके हाथ का आर्ट कोई भी चीज़ हो। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम उस पर ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम उस पर हाँ कहेंगी। मैडम क्या कहना है? एक और एक 3 होते हैं। हाँ, शादी के बाद होते हैं। हाँ, पहले 1 और 1 2 ही होते हैं। शादी के बाद तो यकीन है 1 और 1 के बाद 3 ही होते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल फुटबॉल है। हाँ, फुटबॉल है जी। इमरान खान ने फिर कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता होगा जी। नवाज शरीफ रायबन महल की चाबियां आपको लेके गए। बिल्कुल, आपको लेके गए जी। तो आपने ताले लगा दिए या अभी जा रही हैं? नहीं नहीं, वो हम तो वहां पे रोज आते जाते रहते मैट्रिक में आपकी मुताले पाकिस्तान की सप्ली थी जी। थी मैट्रिक में मुताले पाकिस्तान की सप्ली, फिर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली कि मुताले पाकिस्तान जरा बेटर कर लो। हां जी, इसीलिए। ये आपका दूसरा जन्म है जी? हां। अच्छा, पहले जन्म में क्या थी? पता नहीं, बद्दर होंगी, भूल गई है, मतलब पिछले जन्म के याद नहीं, पुनः जन्म। ठीक है, परामलिक्स में आपका भी नाम था जी। हाँ था। तो कैसे बची आप? बची कहाँ हूँ? वजीर आला पंजाब के लिए मेरी भी जैसे प्रॉपर्टी पे एडमिट होता ना, एडमिट किया था उन्होंने कि मेरी तो पाकिस्तान में क्या, वहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारा भी वही स्टांस है उसी। आपकी भी नहीं है? हमारी भी नहीं है। तो कैलबरी फॉन्ट साइज में भी आप लिख के लाई होंगी फिर जी? हाँ। अच्छा ठीक, वजीर आला पंजाब के लिए आपका नाम भी जेरे गौर था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल था। तो आप बोलती नहीं थी? क्योंकि ये तो उन्होंने ये तो पहली शर्त थी ना कि कम बोलने वाला वजीर आला पंजाब। नहीं, अभी शर्त तो मुझे नहीं पता कौन सी थी लेकिन नाम नहीं, शर्त में मैं पूरी नहीं उतरती थी। ठीक है, इस वजह से आप
की पोस्ट। नाज़िम, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब नहीं देंगी जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगी जो पहले का था, इसी तरह से तीसरे का वो जो दूसरे का था, और इसी तरह से बढ़ते हैं। मैडम आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। मुश्किल हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। अच्छा ठीक है। पीडीएम के चेयरमैन कौन है? स्किप। मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान कौन है? मौलाना फजल रहमान। साहब ने अपनी जमात छोड़ के मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी शुरू कर दी। ठीक है। शेर की खाला कौन है? मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब साहब शेर की खाला है। अच्छा ठीक है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कौन है? बिल्ली। बिल्ली है और शेर उनका इंतका भी निशान हाँ। है। तो ये मतलब खाला और भांजा जो है ना वो मिलके करते हैं। मिलके करते हैं। ठीक है। ये अगली दफा जंगल में जाके टिकटिंग होगी। हाँ। ठीक है। नून लीग का स्लोगन क्या है? मरियम नवाज। मरियम नवाज साहब नून लीग का स्लोगन है, मतलब ये कि ये जो खानदानी सियासत है उसका स्लोगन चल रहा है। मरियम नवाज साहब स्लोगन है जी नून लीग का आज के बाद। तलाल चौधरी साहब आयशा रजब अली के घर क्या करने गए? उनको बताने गए थे कि वोट को इज्जत दो। अच्छा, वोट को इज्जत देने वो गए थे उनके घर। अच्छा, बाहर इज्जत नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कहा। ठीक है। पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज क्या करने गई? तंजीम साजी करने गई। पाकिस्तानी क्रिकेट वहाँ पे तंजीम साजी करने गई। ठीक है। 2001 में अमरीका अफगानिस्तान किस मकसद के लिए आया? मैं खाली क्रिकेट खेलने आया था। अच्छा, क्रिकेट खेलने आए थे और अपोजिशन जो है वो टीम तगड़ी मिल गई अफगानिस्तान, तो इस वजह से वो वापस जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बरतानिया में क्या कर रहे हैं? सबको पता है वॉरेंट टेरर के लिए गए हैं। वॉरेंट टेरर बरतानिया से टैकल नहीं हो रही थी। हाँ। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बुलाया क्या वॉरेंट टेरर ने? ठीक है जी मैडम, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी ज़ैनब उमैर साहिबा जो कि बहुत बहुत बड़े कारनामे कर रही हैं नून लीग के खिलाफ। नून लीग के खिलाफ तो नहीं, वो कह रही हैं कि हमारे जो टैक्स चोरी हो रहे हैं उनको वो किसी न किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कुछ रिकवरी भी की है परवेज रशीद साहब से। तो ये था आज का सवालनामा। अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।